हेलो फ्रेंड, जैसा कि कल लेक्चर में हमने बताया था कि फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो फ्लो होता है, माने बहाव होता है फ्लूइड्स का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो ये मेनली तीन चीज पे डिपेंड करता है, ऑरिफिस साइज, टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड भरा उसका टेम्परेचर क्या है, और तीसरा है प्रेशर डिफरेंस। अब हम पहले डिस्कस करेंगे ऑरिफिस साइज। ऑरिफिस साइज मतलब जो भी साइजेज पाइप के हैं जिसके थ्रू हमको आयल को बहाना है, आयल को फ्लो कराना है, अगर वो बड़ा होगा तो उससे ज्यादा फ्लूइड फ्लो होगा। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हम देखते हैं 1/2 इंच का, 3/4 इंच का, 1 इंच का, 1/4 इंच का, 1.5 इंच का, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा पाइप का उससे फ्लूइड ज्यादा हमको मिलेगा, फ्लो उससे हमको ज्यादा मिलेगा। वैसे ही अगर ऑरिफिस का साइज हम छोटा करते जाएंगे, जैसे 1 इंच, 1 इंच के जगह अगर हमने 3/4 यूज कर दिया, 3/4 से अगर 3/4 के बाद 1/2 इंच यूज कर रहे हैं और 3/8 यूज करेंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे उससे हमको फ्लो कम मिलेगा। उसके बाद जो ये फ्लो जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, माने जो हम यूज कर रहे हैं फ्लूइड उसका टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर जो हमें आयल यूज करना है वो रूम टेम्परेचर पर जनरली यूज करते हैं, और उसपे जो हम आयल यूज करते हैं उसपे जो मेंशन है तो उसका विस्कोसिटी है। तो सबसे पहले आता है बात की विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी होता है ये, दिस इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव के जो रेजिस्ट करता है वो उसका विस्कोसिटी है। और विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। विस्कोसिटी कम मतलब वो आयल पतला होता जाएगा, जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगा आयल मोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर आयल हमारा विस्कस ज्यादा होगा तो हमारा ये फ्लो कम होगा, बहाव कम होगा। अगर विस्कोसिटी कम होगा मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहाव ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आयल का विस्कोसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हीट एक्सचेंजर लगा कर रखते हैं, और उसमें टेम्परेचर का रेंज मेंशन रहता है। ठंडे कंट्री के लिए, ठंडे देशों में क्या होता है कि उसमें हम कंट्रोलर में हीटर भी लगा कर रखते हैं कि बाई चांस टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होगा, जहाँ पे स्नो फ्रीजिंग होने लगा, फ्रीज होने लगा, वहां पे हम हीटर जलाते हैं, हीटर जला के आयल का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और टेम्परेचर मेंटेन करने का मेन रीजन है कि उसका हमको विस्कोसिटी मेंटेन करना रहता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेशर डिफरेंस। ये जो बहाव है ये प्रेशर के डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो फ्लो ज्यादा होगा और हमारा जो एक्चुएटर है मतलब सिलेंडर या हाइड्रोमोटर ज्यादा फास्ट ऑपरेट होगा। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो ऑयल का बहाव उतना ही उसी रेशियो में कम होता जाएगा और हमारा सिलेंडर या एक्चुएटर स्लो ऑपरेट होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने एक सर्किट बना रखा है, एक सिंपल सर्किट बनाया है जिसमें एक पंप है, एक रिलीफ बल्ब डाला, रिलीफ बल्ब की सेटिंग हमने 200 बार पे रखा है, और एक डायरेक्शन कंट्रोल बनाया है, एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर के ऊपर में डब्ल्यू वेट रखा है। अगर हम वेट डब्ल्यू 1000 kg का है जो हम वेट हमको उठाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वाइल उठाना है या पाइप को उठाना है, अगर उसका वजन 1000 kg है, 1000 kg है, और जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर हमारा एरिया, पिस्टन एरिया अगर 10 cm² है, तो जो प्रेशर का फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स मतलब वेट को रखते हैं 1000 kg और एरिया जो हमारा है 10 है, तो इस पे जो प्रेशर जनरेट होगा 100 kg/cm² होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा रिलीफ बल्ब का सेटिंग कितना पे 200 पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उसको उठाने के लिए हमको चाहिए 100 kg और रिलीफ वाल्व का सेटिंग है 200 kg, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 200 - 100 मतलब 100 kg/cm, 100 bar का डिफरेंस है, तो ये फास्ट उठेगा। सो लिफ्ट विल इजी एंड फास्ट। लेकिन यही जैसा कि पिछला एग्जांपल में हमने बताया था 1000 kg मतलब 1000 kg का वेट उठाने के लिए, और सिलेंडर का जो हमारा एरिया था 10 cm², इसमें भी हमने एरिया तो वही कांस्टेंट रखा, लेकिन वेट अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे जो प्रेशर जनरेट होगा, जो प्रेशर होगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो 1500/10 मतलब 150 kg/cm², मतलब 150 bar का प्रेशर हमको यहाँ पे चाहिए उठाने के लिए।
जब हम 150 को कंपेयर करते हैं 200 से, तो 200 माइनस 150, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो फ्लो होगा कम होगा और ये सिलेंडर पिछले वाले के तुलना में थोड़ा धीरे धीरे उठेगा। ये हमारे लाइफ में भी यूज होता है, जैसे हमको कोई वजन उठाना रहता है 1 केजी 2 केजी या 5 केजी के तो आराम से उठा लेते हैं, लेकिन जैसे हमको 40 केजी का वजन उठाना रहता है तो हम उसको उसमें थोड़ा स्लो हो जाते हैं। सेम प्रैक्टिस सिलेंडर में भी फॉलो होता है। तो हमको ये दोनों एग्जाम्पल बताने के बाद ये मैं सोच रहा हूँ कि ये समझ में क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर डिफरेंस पे कैसे फ्लो डिपेंड करता है। थैंक यू।